Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel on Nursing Failure. Today in this video we learn about the nursing care plan of myelomeningocele or meningocele, and this is a type of spinal bifida. Iske andar hum ek nursing care plan yahan taiyar karenge. This is a very important nursing care plan of pediatric nursing jo examination purpose aur practical file purpose dono ke liye एक इम्पोर्टेंट है. तो आप वीडियो से नर्सिंग केयर प्लान आसानी से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो और आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं. तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑफ माइलोमेनिंगोसील या मेनिंगोसील टाइप्स ऑफ स्पाइनल बिफिडा. नर्सिंग केयर प्लान ऑन स्पाइनल बिफिडा एयर मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील. नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हम स्पाइनल बिफिडा के बारे में लर्न करते हैं. दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन एयर. स्पाइनल बिफिडा इन्वॉल्व द फेलियर ऑफ द न्यूरल ट्यूब टू डेवलप और क्लोज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कॉजिंग डिफेक्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द बोन्स ऑफ द स्पाइन. स्पाइनल बिफिडा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है और इसके कारण स्पाइनल कॉर्ड और बोन्स ऑफ स्पाइन में डिफेक्ट डेवलप होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पाइनल बिफिडा. स्पाइनल बिफिडा मेनली टू टाइप्स के होते हैं, स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा एंड स्पाइनल बिफिडा सिस्टिका. फर्स्ट देखते हैं स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा में. इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इज ए डिफेक्ट इन द क्लोजर विदाउट द हर्नीस एंड एक्सपोजर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड मैनेजेस एट द सरफेस ऑफ द स्किन इन द लंबो सैक्रल रीजन. स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा में जो डिफेक्ट है वो हमको दिखाई नहीं देता, बट जो मैनेजेस है वो लंबो सैक्रल एरिया में स्किन के जो सरफेस है उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं. अर्नीट हो गए. नेक्स्ट स्पाइनल बिफिडा सिस्टा. दिस इज स्पाइनल बिफिडा सिस्टा. मेनली टू टाइप्स ऑल्सो सब टाइप्स हेयर, मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील. इज ए डिफेक्ट इन द क्लोजर ऑफ सैक एंड हर्नीशन प्रोट्रूजन ऑफ ए मेनिंजेस स्पाइनल फ्लूड एंड पॉसिबल सम पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व एट द सर्फेस ऑफ द स्किन एंड द लंबो सैक्रल और सैक्रल एरिया. स्पाइनल बिफिडा सिस्टा जिसको हम फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील. मेनिंगोसील में जो स्पाइनल फ्लूड है वो कलेक्ट होकर एक थोड़ा प्रोट्रूड होकर स्पाइनल कोर्ड हमको दिखाई देता है, और माइलोमेनिंगोसील में जो स्पाइनल फ्लूड के साथ साथ स्पाइनल कोर्ड और नर्व्स भी स्किन से प्रोट्रूड होकर लंबो सैक्रल या सैक्रल एरिया में हमको ये हर्निएटेड प्रोट्रूजन एक सैक लाइक अपीयर होता है. इसको हम यहाँ एक बार फिर देखते हैं डायग्राम में. दिस इज स्पाइनल बिफिडा या स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा. मीन्स जो मेनिंजेस हैं स्किन सरफेस पर आ रही हैं, पर ये हर्निएटेड नहीं है. यहाँ पर इस मेनिंजोसील इसमें जो स्पाइनल फ्लूड है वो एक सैग में इकट्ठा हो रहा है यार. एंड माइलोमेनिंजोसील में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो और जो नर्व्स हैं फ्लूड है वो सारा एक सैग के रूप में यहाँ बाहर एक सैग लाइक अपीयरेंस हर्निएटेड एरिया हमको दिखाई देगा. तो ये स्पाइनल बिफिडा ओकल्टा, मेनिंगोसील और माइलोमेनिंगोसील जो भी हमने यहाँ टर्म देखे थे. तो आप नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान एंड नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द स्पाइनल बिफिडा एयर माइनिंगोसील या माइलोमेनिंगोसील. नर्सिंग केयर प्लान के अंदर हम नर्सिंग प्रोसेस स्टेप जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रीजनल एंड एवेल्यूशन को यहाँ नर्सिंग केयर प्लान में देखेंगे. तो ये देखते हैं फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट फॉर फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान. सब्जेक्टिव डाटा, बेबीज मदर टेल दैट लार्ज फ्लूड फिल्ड सैक इज प्रेजेंट ऑन द बैक.
Here objective data, a large fluid filled sac is present on the lumbosacral region, which is covered by a thin membrane. Here diagnosis, nursing diagnosis, risk of local trauma or injury to the sac related to improper handling of the baby. Here goal होगा यहाँ पर to prevent local trauma or injury to the sac. Nursing is intervention and implementation and rational. First intervention होगा यहाँ पर assess the site of sac. इसका implementation होगा. Intervention and implementation. Assess the site of sac. Means this is planning phase, हमको assess करना है और implementation में हम assess कर चुके हैं. Assessed. Next. Second intervention, carefully handle the baby. Here implementation में baby is handled carefully. Next, sorry, provide proper position, either prone or side lying position. Here side lying position is provided to the baby. Next, apply padding around the sac. Here padding is applied around the sac and sorry, modify the care of the neonate. Here neonate care is modified. Next देखते हैं rational इसका. Why assessing care for handling, providing proper position and applying padding injury to the sac can be prevented. Evaluation होगा इसका. Sac is covered with a thin membrane. There is no sign of any leakage from the site of sac. तो ये फर्स्ट हमारा है, केयर प्लान यहाँ कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं हम केयर प्लान नंबर सेकंड. केयर प्लान नंबर सेकंड में नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा. मदर टेल दैट सैक इज सोइल्ड विद स्टूल एंड यूरिन रिपीटेडली. ऑब्जेक्टिव डाटा हुए हैं, ए वेरी थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ओवर द सैक ऑन द लंबोसैक्रल रीजन विच कैन बी इजीली ड्राइड और रप्चर्ड एंड गेट इन्फेक्टेड विद स्टूल एंड यूरिन. नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा डायग्नोसिस होगा यहाँ पर. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं. रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजीनिक कंडीशन एंड रिपीटेड कंटामिनेशन विद स्टूल एंड यूरिन. नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा हमारा गोल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द सैक. नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. फर्स्ट इंटरवेंशन होगा यहाँ पर असेस द सैक फॉर प्रेजेंस ऑफ थिन मेम्ब्रेन ओवर इट. और इम्प्लीमेंटेशन होगा कंडीशन ऑफ सैक इज असेस्ड. नेक्स्ट सेकेंड इंटरवेंशन होगा क्लीन द सैक विद द नॉर्मल सलाइन. हेयर यहाँ पर होगा इम्प्लीमेंटेशन. सैक इज क्लीन विद नॉर्मल सलाइन एंड स्टाइल नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग इज अप्लाइड एंड कवर्ड विद प्लास्टिक कवरिंग. नेक्स्ट इंटरवेंशन अप्लाई स्टाइल मोस्ट नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग ओवर द सैक कवर्ड विद कवर इट विद प्लास्टिक कवरिंग. जो भी हमने पढ़ा था पर नेक्स्ट चेंज ड्रेसिंग एवरी टू आवरली टू टू फोर आवरली. हेयर ड्रेसिंग इज चेंज रेगुलरली. इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते कंटिन्यूसली असेस फॉर कंडीशन ऑफ द सैक एंड रिपोर्ट फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन और लीकेज. हेयर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा टू नो द स्टेटस ऑफ द सैक. नेक्स्ट अवॉइड कंटामिनेशन विद स्टूल एंड यूरिन. और इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कंटामिनेशन विद स्टूल एंड यूरिन इज अवॉइडेड. नेक्स्ट देखते हैं रेशनल स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस इंटरवेंशंस. हियर बाय अप्लाइंग स्टाइल मोस्ट ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग सैक कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ड्राइंग रप्चरिंग एंड कंटामिनेशन. नेक्स्ट देखते हैं एवेल्यूशन ऑफ दिस नर्सिंग केयर प्लान. हेयर there is no any sign of infection over the sac site. तो ये था हमारा दूसरा नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. दिस इज नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड. यार फर्स्ट देखते हैं असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा.
Subjectivated aunt of the baby tell the breastfeeding has not been started. Here objective data, baby is on formula feeding. Diagnosis dikhte hain, risk for altered nutrition related to formula feeding, improper technique related to disease. Goal ho gaya hai to maintain nutritional status. Next intervention implementation dekhte hain. Assess nutritional status. Implementation ka nutritional status assessed. Next second intervention, give adequate feeding with the help of katori and spoon or large holder nipple. Implementation ka adequate feeding is given with katori and spoon. Next adequate burping. Here implementation ka burping facilitate feeding. Next intervention ka interact with the child during feeding. Here interaction with the baby maintained during feeding. Next provide colored play items. Here implementation ka provided colored play item to provide a sensory stimulation. Next advise parents to start breastfeeding as soon as possible. यहाँ पर implementation होगा इसका. Advise family member to start breastfeeding. Next देखते हैं rational, by providing adequate amount of nutritious feeding according to the demand of the baby, nutritional status can be maintained. Next देखते हैं evaluation of this nursing care plan. Here baby's nutritional status is normal with the weight loss not more than 10% of the body weight within 10 days of the birth. तो यहाँ ये थर्ड नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फोर्थ. फोर्थ नर्सिंग केयर प्लान का सब्जेक्टिव डाटा. एयर पैरामीटर ऑफ द बेबी आस्क अबाउट द डिजीज एंड इट्स प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स लुक एनजीएस एंड डायग्नोसिस होगा यहाँ पर एनजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस. और यहाँ पर गोल होगा टू रिलीव एनजाइटी. और यहाँ पर इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट असेस एनजाइटी लेवल. इम्प्लीमेंटेशन में एनजाइटी लेवल असेस. नेक्स्ट एक्सप्लेन पेरेंट अबाउट द डिजीज इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस. एयर पेरेंट्स आर एक्सप्लेन अबाउट द डिजीज इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस. नेक्स्ट इन्वॉल्व पेरेंट इन बेबी केयर. एयर इम्प्लीमेंटेशन होगा पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन बेबी केयर. नेक्स्ट अलाउ द टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड गिव अप्रोप्रिएट आंसर टू द देयर क्वेश्चन. एयर इम्प्लीमेंटेशन होगा पेरेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड अप्रोप्रिएट आंसर्स आर गिवन टू द फैमिली. नेक्स्ट देखते हैं रेशनल. यहाँ पर रेशनल होगा प्रोवाइड बाई प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन एनजाइटी लेवल ऑफ पेरेंट कैन बी रिड्यूस्ड. एवेल्यूशन होगा इस नर्सिंग केयर प्लान का फोर्थ का. यहाँ एनजाइटी लेवल ऑफ द पेरेंट्स रिड्यूस टू द सम एक्सटेंड. तो ये फोर्थ नर्सिंग केयर प्लान यहाँ कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नर्सिंग केयर प्लान. फिफ्थ नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट असेसमेंट फेज देखते हैं. सब्जेक्टिव डाटा, फैमिली मेंबर आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द डिजीज एंड इट्स प्रोग्नोसिस. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा फैमिली मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड आर सो डिप्रेस्ड. नर्सिंग डायग्नोसिस इंटरप्ट फैमिली प्रोसेस रिलेटेड सिचुएशनल क्राइसिस. गोल होगा फैमिली विल अडेप्ट टू चाइल्ड्स डिसेबिलिटी एंड बिगिन टू मूव फॉरवर्ड. इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. इंटरवेंशन फर्स्ट असेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द फैमिली. इम्प्लीमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द फैमिली इज असेस्ड. नेक्स्ट इंटरवेंशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलनेस एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन. यर इम्प्लीमेंटेशन होगा इंफॉर्मेशन अबाउट इलनेस एंड टेक्निकल टर्म इज प्रोवाइडेड. नेक्स्ट थर्ड इंटरवेंशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अबाउट द एक्सप्रेस ऑफ हिज और हर फीलिंग्स. यर इम्प्लीमेंटेशन होगा पेरेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. नेक्स्ट इंटरवेंशन होगा इंटरप्रेट ऑल टेक्निकल टर्म्स यूज टू फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. एयर
इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऑल टेक्निकल टर्म्स आर इंटरप्रेटेड। नेक्स्ट देखते हैं रेशनल, यहाँ पर रेशनल होगा बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द फैमिली मेम्बर रिगार्डिंग इलनेस इट्स प्रोग्नोसिस एंड टेक्निकल टर्म्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द फैमिली मेम्बर्स एंजाइटी लेवल ऑफ द फैमिली मेम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड। और यहाँ पर एवेल्यूशन होगा इंटरप्ट फैमिली प्रोसेस रिकवर्ड। ये था हमारा फिफ्थ नर्सिंग केयर प्लान। आफ्टर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर प्लान वी प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन टू द पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर अबाउट द स्पाइनल बिफिडा केयर। एयर फर्स्ट एडवाइज पेरेंट्स अबाउट द रेगुलर एंड टाइमली मेडिकेशंस एंड होम केयर ऑफ द बेबी। नेक्स्ट सेकेंड डेमोस्ट्रेट पेरेंट्स अबाउट द वाथिंग फीडिंग पोजिशन स्किन केयर इन्फेंट स्टिमुलेशन टेक्निक्स एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। नंबर थर्ड एजुकेट्स पेरेंट्स टू मेंटेन बॉन्डिंग एंड रूमिंग इन द विद द चाइल्ड। नेक्स्ट एनकरेज पेरेंट टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। नंबर फिफ्थ प्रोवाइड लविंग केयर टू द बेबी बाय क्लोज कॉन्टैक्ट एंड आई टू आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट एनकरेज पेरेंट टू मेंटेन हाइजीन्स। नंबर सेवन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बेबी बाय एडिक्वेट कवरिंग। नेक्स्ट एडवाइस फॉर इम्यूनाइजेशन, दीज आर द हेल्थ एजुकेशन दैट इज प्रोवाइड टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड विद स्पाइनल बिफिडा। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान आफ्टर हेल्थ एजुकेशन टू द फैमिली मेम्बर। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान ऑन स्पाइनल बिफिडा माइलियम मेनिंगोसील या मेनिंगोसील। आपको वीडियो कैसा लगा इसके अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल या प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन एंड प्रेस वेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।